नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है कि हम लोग एनिमेटेड ट्रैवल मैप कैसे बना सकते हैं प्रीमियर में, बिकॉज प्रीमियर में बनाना एक अलग ही चैलेंज होता है, एक अलग ही टेक्निक यूज़ करने होते हैं। लेकिन अगर मैं वही उसी चीज़ को अगर मैं आफ्टर इफेक्ट्स में बनाऊँ तो बहुत ही इजी वे में मैं बना सकता हूँ ट्रैवल मैप को, जो कि एनिमेटेड होते हैं या मोशन ग्राफिक के थ्रू बनते हैं। लेकिन लोग मेरे से यही पूछते हैं कि अगर मुझे प्रीमियर में ऐसे कुछ चीज़ बनानी है तो मैं कैसे बना सकता हूँ प्रीमियर में ट्रैवल मैप, बिकॉज ऑफ कि बहुत सारे जो व्लॉगर्स होते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, उन लोग अपने एनिमेशन में अपने जो ट्रैवल जो डेस्टिनेशंस होते हैं उसके ऊपर मैप क्रिएट करते हैं। मीन्स तो उसके ऊपर वो लाइन क्रिएट करके उसके ऊपर ट्रैवल के अकॉर्डिंग वो लोग मैप बनाते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से आप ट्रैवल मैप बना सकते हो प्रीमियर में बहुत ही इजी तरीके से। एनिमेटेड ट्रैवल मैप जो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट आपको तो मैप चाहिए होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास एक मैप है, तो आप कुछ भी ले सकते हो, वर्ल्ड मैप ले सकते हो, इंडिया के मैप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप। तो मैंने कुछ इस तरह से एक मैप ले लिया है, बट ये ट्रांसपेरेंट है, इन द सेंस ये पीएनजी इमेज है, आप देख सकते हो। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें एक वाइट कलर का मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कलर मैट। तो आप कोई भी कलर ले सकते हो, ब्लू ले सकते हो, ब्लैक ले सकते हो, कुछ भी कलर ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर कलर मैप ले लेता हूँ, लाइक थोड़ा ओशियन स्टाइल में लेता हूँ, बिकॉज ऑफ जो इंडिया है वो ओशन से सराउंडेड है। तो फिर मैं यहाँ पे ब्लू कलर का मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पे कलर मैट, जो कि मैं नीचे में लेके आ जाऊँगा यहाँ पे। तो टॉप में मैं रखता हूँ मैप को, एंड देन नीचे रखता हूँ मैं कुछ इस तरह से ब्लू कलर को, जो एक्वा ब्लू जैसे दिख रहे हैं। अब मैं आ जाता हूँ मैप के ऊपर में। तो मैप को आप 10 सेकेंड्स के आसपास रख सकते हो, तो मैं रख लेता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसे, आई थिंक 9 या 10 सेकेंड्स काफ़ी हैं। तो जितनी आपको चाहिए उतनी ड्यूरेशन के आप एनिमेशन बना सकते हो। तो यहाँ पे मेरे मैप आ गए हैं। अब मैप में मुझे ये दिखाना है कि आप चाहो तो फ्लाइट को आप ले सकते हो, तो आप चाहो तो यहाँ पे एरोप्लेन या फ्लाइट को आप ले सकते हो। तो एरोप्लेन को भी एनिमेट कर सकते हो यहाँ पे, या फिर कार को भी एनिमेट कर सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ कि कार को मुझे एनिमेट करना है तो मैं कैसे एनिमेट करूँगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर मुझे जाने हैं कार के थ्रू, उसे मैं ट्रेवल मैप में कैसे दिखा सकता हूँ। तो सबसे फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैप को मैं जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 50% मैं ले लेता हूँ, या फिर मैं 75% तक ले लेता हूँ। ओके, एंड देन मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे मैप बनाऊँ। तो ये जूम करने के बाद मैं क्या करूँगा, सीधा जाऊँगा पेन टूल पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे बनाने हैं अपने शेप बनाने हैं, आई मीन लाइन बनाने हैं, जिस पाथ को हमारी कार या फिर कोई भी व्हीकल उसे फॉलो करेगी। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, लाइक मैंने गुजरात से मान लो मैंने स्टार्ट किया, यूपी, बिहार, झारखंड होता हुआ फिर से ये महाराष्ट्र में आ जाए। बस इतने से मैं बना रहा हूँ अभी के लिए कि किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, जब ये इस तरह से पाथ आपके बन जाए तो उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे पाथ को थोड़ा सा ब्रॉड कर दो, आई मीन थोड़े रोड वाले स्टाइल में आप बना दो। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़े से रोड वाले स्टाइल में बन जाए। थोड़े से कलर को आप थोड़ा डार्क करना चाहते हो स्ट्रोक के कलर को, तो थोड़ा डार्क भी कर सकते हो। एंड देन स्ट्रोक को आप क्या करो ना, यहाँ पे जाके आउटर के जगह में आप सेंटर ले लो, आई मीन सेंटर अलाइन आपको ले लेने हैं यहाँ से अपने पाथ को। तो मैंने यहाँ पे पाथ को ले लिया कुछ ऐसे, थोड़ा इंक्रीज करना है आप कर लो पाथ को, जैसे भी आपको बनाने हैं रोड जैसे तो आप बना लो यहाँ पे। एंड देन मैं क्या करता हूँ, एक और स्ट्रोक को यहाँ पे मैं लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करके आप एक और स्ट्रोक ले सकते हो, सी लाइक रोड के बीच में जो डिवाइडर होते हैं कुछ उस तरह से आप ले सकते हो, या फिर एक स्ट्रिप बने होते हैं वो अगर आपको बनाने हैं तो रोड को इस तरह से दिखा सकते हो कि भाई लेफ्ट एंड राइट वाले स्टाइल में आप बना सकते हो। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको चले जाना है यहाँ पे शेप में, एंड देन प्लस मार्क लेकर आपको यहाँ पे ऐड कर लेने हैं एक और स्ट्रोक को। तो आप दो दो स्ट्रोक्स को यूज़ में ले सकते हो एनिमेशन करने के लिए। ओके, अब ये हो जाने के बाद अगेन मैं इसको भी एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक मुझे चाहिए होएगा। ओके, आफ्टर दैट अगेन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि मैं कार को लेके आ जाता हूँ। तो कार वाले जो मैं यहाँ पे है ना पीएनजी, आप लेके आ जाओ सी। तो मैं यहाँ पे कार के जो पीएनजी है मैं वो लेके आ गया सबसे टॉप में। एंड देन मैं आई थिंक लगता है बहुत बड़ी साइज़ है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसके साइज़ को थोड़े से कम कर देता हूँ सी। तो कार भी आ गई, कार के साइज़ को और थोड़े से छोटे कर देता हूँ मैं, आई थिंक इतना काफ़ी है, कुछ जितना आपको चाहिए होगा 4% और या फिर 3 मैं रखता हूँ साइज़ में, तो 3 भी काफ़ी है मेरे पास। आप चाहो तो बड़े बड़े छोटे ले सकते हो, मैं 4 ही ले लेता हूँ थोड़ा क्लियर दिखाई दे।
एंड देन मैं इसे थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रोटेशन में जाकर मैं फेस कर लेता हूँ कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में। फिर मैं क्या करूँगा, अब इसको एनिमेट करूँगा कार को पूरे रास्ते पे कि किस तरह से हमें चाहिए होंगे। तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, अगेन अब इसको पाथ फॉलो करा नहीं सकते यहाँ पे, आफ्टर इफेक्ट्स रहता, तो आराम से आप कस्टम पाथ के ऊपर में अपने ऑब्जेक्ट को फॉलो भी करा सकते हो, तो फॉलो भी करा सकते हो वहाँ पे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे कार के पोजीशन को मैं क्या करूँगा, थोड़ा सेट कर लूँगा जहाँ पे मुझे चाहिए होगी। तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ अपने कार के एनिमेशन को। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रोटेशन एंड देन यहाँ पर पोजिशन को सिर्फ आप चेक कर लो, ओके। एंड देन थोड़े आगे मैं बढ़ा देता हूँ, आई मीन थोड़े से इतने आगे में मैं क्या करूँगा, कार की पोजीशन को थोड़े से यहाँ पे मैं लेके आ जाता हूँ, सी। एंड देन थोड़े से रोटेशन मैं ले लेता हूँ ऐसे, आप थोड़ा सा चेक करते रहना, ओके। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, थोड़े इन बिटवीन फ्रेम्स में भी जाकर आप थोड़े से पोजिशन को सेट कर दो, एंड देन रोटेशन को थोड़ा सा आप ले लेना ऐसे। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से गया, यहाँ तक तो ठीक है। एंड देन थोड़े से और आगे बढ़ जाओ आप, ऑलमोस्ट 50% के आसपास, तो मैं 50% के आसपास यहाँ पे चला जाता हूँ। एंड देन अगेन मैं क्या करूँगा, थोड़े से रोटेशन ले लेता हूँ, एंड देन पोजीशन को थोड़े से एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, सी कुछ ऐसे। तो यहाँ पे पोजीशन भी मैंने एडजस्ट कर दिया, ओके। यहाँ पे थोड़े से मेरा ऐसा लग रहा है जैसे ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़े से रोटेशन को, तो थोड़े से रोटेशन को मैं यहाँ पे ठीक कर लेता हूँ कुछ ऐसे, सी। तो अभी जहाँ पे भी ड्रिफ्ट जैसा लग रहा है आपको, वहाँ पे क्या करो, आप थोड़े से रोटेशन पे आप काम कर लेना, ओके सी। तो यहाँ पे भी ठीक है, ऐसे करके गया यहाँ से, फिर ऐसे, एंड देन यहाँ के बाद से फिर से आपको यहाँ पे थोड़े से रोटेशन चाहिए होंगे लास्ट तक। तो मैं लास्ट फ्रेम पे जाता हूँ, एंड देन इसकी पोजिशन को मैं एकदम लास्ट में लेके आ जाता हूँ, आई मीन यहाँ पे आप एडजस्ट कर लो, सी, जहाँ पे आपके कार होंगे। तो यहाँ पे जाकर मैं क्या करता हूँ, कार के जो रोटेशन है ना उसको मैं कुछ ऐसे कर लेता हूँ फिर से, ओके। पोजीशन को एडजस्ट कर लो आप, एंड देन इन बिटवीन मैं फिर से वर्क करूँगा, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे कार एकदम यहाँ पे आ गई है, तो आपको यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे आपको जाने हैं। एंड देन अगेन थोड़े से रोटेशन आप यहाँ पे ले लो, सी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी थोड़े ड्रिफ्ट कर रहे हैं, टिल्ट हो गया हमारा कार, तो थोड़े से ऐसे, सी। तो कार हमारी यहाँ पे आकर रुक गई है कुछ इस तरह से, ओके। तो बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरह से आप बना सकते हो मैप को। एंड देन मैं क्या करूँगा कि जैसे जैसे रोड कार चलती जा रही है, वैसे वैसे रोड बनता हुआ सा भी मुझे दिखाना है। तो आप क्या करो, रोड वाले पे आ जाओ फर्स्ट यहाँ पे, एंड देन मैं क्या करता हूँ, जो मैंने रोड बनाए थे स्ट्रोक के थ्रू, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, ओपेसिटी में जाऊँगा। एंड देन ओपेसिटी में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मैं ड्रॉ कर लेता हूँ अगेन। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाकर एक कुछ इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया, फाइन। जैसा आपको ड्रॉ करने हैं उस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इधर से मैं मास्क भी अप्लाई कर सकता हूँ अपने एनिमेशन पे, फाइन। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, एंड देन यहाँ से मैं एनिमेशन करूँगा अपने, आई मीन मास्क कर दूँगा अपने एनिमेशन पे। तो फर्स्ट मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो मास्क होने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप आ जाओ, एंड देन यहाँ पे मैं जाकर इन्वर्टेड कर देता हूँ, ओके। एंड देन अब एनिमेट करता हूँ मैं अपने मास्क को भी, तो मास्क पाथ को आप क्लिक कर दो यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पे जैसे आगे बढ़े मास्क को क्लिक करो, एंड देन मास्क को भी एडजस्ट कर दो आप, इसके अकॉर्डिंगली आपको जाने हैं। तो मैं मास्क को क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, एंड देन अगेन यहाँ पे कुछ ऐसे ले लेता हूँ, सी, फाइन। तो मैं मास्क को कुछ ऐसे ले लिया मैंने, एडजस्ट कर लो, ओके। नाउ दिस इज फाइन। आफ्टर दैट जब ये काम हो जाए आपके, तो आपको सभी को सिलेक्ट कर लेने हैं यहाँ पे, एंड देन राइट क्लिक करके आप क्या करो, यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ नेस्ट में, मींस इसे मैं बना देता हूँ नेस्ट, ओके कुछ ऐसा। बिकॉज ऑफ कि मैं क्या करूँगा, अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा आप चले जाओ यहाँ पे, एंड देन इफ़ेक्ट्स में आप चले जाना। इफ़ेक्ट्स में जाकर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इफ़ेक्ट्स में जाकर बेसिक 3D आप ले लो। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बेसिक 3D, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो आप बेसिक 3D को यहाँ पे। एंड देन मैं क्या करूँगा, बेसिक 3D आने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसके थोड़े से एनिमेशन आप ले सकते हो।
आई मीन जो भी आपको यहाँ पे करने हैं एनिमेशन, लाइक मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको ऐसे रोटेट भी कर सकते हो कुछ इस तरह से, जैसा भी आपको चाहिए होगा। तो मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पे, आई मीन मेरा जो पोजीशन है उसको मैं थोड़े से स्केल कर देता हूँ यहाँ पे, ऐसे जैसे मुझे दिखाने हैं यहाँ पे। ओके एंड देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाकर मैं थोड़ा सा रोटेशन वगैरह पे एनिमेट करता हूँ। तो मैं बेसिक 3D पे गया मैं यहाँ पे, एंड देन स्टार्टिंग में मैं 0 रखता हूँ, एंड देन सारे कुछ आप यहाँ पे ले लो, एंड देन थोड़ा सा यहाँ पे जाकर क्या होएगा, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। सी तो ऐसा लगना चाहिए कि कुछ कुछ हो रहा है यहाँ पे, कुछ ना कुछ आपको करते रहने हैं अपने सीन में ऐसे। सी एंड देन फिर से आप क्या करो, यहाँ पे थोड़े से ऐसे कर दो, एंड देन लास्ट में जाकर फिर से आप क्या करो, यहाँ पे 0 0 डाल दो सब में। ओके तो आप देख सकते हो हमारा जो एनिमेशन है वो कैसे हुए यहाँ पे, कुछ इस तरह से। ओके और मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक म्यूज़िक भी डाल देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, सी अब आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके तो मैं थोड़ा सा हाई रेजोल्यूशन में रख देता हूँ यहाँ पे, बिकॉज़ ये रेजोल्यूशन बहुत कम है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फुल रेजोल्यूशन में रख दिया, एंड देन अब आप देख सकते हो हमारा फाइनल आउटपुट। ओके तो कुछ इस तरह से अपने ट्रैवल जो आपके जो एनिमेशन है ट्रैवल वाले, वो आप बहुत इजी वे में बना सकते हो। तो आप इस तरह से बहुत ही इजी वे में अपने ट्रैवल एनिमेशन बना सकते हो, लाइक इस तरह से, या फिर आप एरोप्लेन का भी बना सकते हो, जो भी आपको पसंद है उस तरह की आप एनिमेशन, तो उस तरह की आप एनिमेशन यहाँ पे बना सकते हो। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं प्रीमियर के हम लोग न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।